नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और न्यूज़ क्लिक में आज हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर पर। मणिपुर किस तरह से जला, किस तरह से बड़े पैमाने पे जान माल का नुकसान हुआ, कितनी जाने गईं, और उससे बड़ी बात जिस तरह से वहाँ पर एक सांप्रदायिक तनाव मेती और कुकी समाज में पैदा हुआ, हिंसा हुई और सरकार पूरी तरह से गायब रही पूरे परिदृश्य से, इस पर हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बबलू जी से। बबलू जी, आपका न्यूज़ क्लिक में बहुत स्वागत है। हमें संक्षेप में बताइए कि मेती, जो मेती समाज है वहाँ का, जो सबसे बड़ी संख्या है, उसमें और कुकी में ये जो विवाद हुआ, इसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, शुरुआत तो ये एक रैली चला था चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक हिल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, साउदर्न पार्ट में। इसमें ज़्यादातर कुकी जात लोग रहते हैं। तो उसमें ये 27th में एक रैली चले थे। ये मांग है कि मेईतेई जो है डोमिनेंट कम्युनिटी मणिपुर में, जो वैष्णवाइट लोग है, जो वैली में रहता है, उसका एक मांग है कि इनका कई सेक्शन का एक मांग है कि वो लोग शेड्यूल ट्राइब में इसमें इसका जुड़े जाए। मगर जो ओल्ड मणिपुर ट्राइबल यूनियन जो है, ओल्ड ट्राइबल यूनियन मणिपुर अत्सुम का, जो वो लोग उसको अपोज करने के लिए एक रैली चला था। उसी ही दिन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट भी इम्फाल में एक विजिट किया था। उसी का चक्कर में थोड़ा टेंशन ऊपर आ गया कि ये मांग बहुत दिन से चल रहा है। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दे दिया कि मणिपुर गवर्नमेंट में ये रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी देने के लिए। और उसी में चुराचांदपुर में उसी का रैली के टाइम में काउंटर ब्लॉकेट भी थे, तो उसमें एक माहौल बन गया। और उसके बाद जो चुराचांदपुर में मेईतेई लोग रहता है, चुराचांदपुर टाउन में एक छोटा सा मेईतेई कम्युनिटी है, उसमें उसमें ये मिसक्रियन लोग जाके उसके उसका घर को जलाना शुरू किया। उसके बाद एकदम मतलब सोशल मीडिया में रियलिटी भी बोला, मगर उसका बहुत एग्जैजरेटेड स्टोरीज भी बहुत स्प्रेड हो गया। तो इवनिंग के टाइम में मतलब जो मणिपुर इम्फाल में, इम्फाल वैली में जो कुकी लोग रहता है, उसका घर में एक अटैक हो गया। कई मिसक्रियन मणिपुर का वैली में कई संगठन लोग, जो थोड़ा एंटी ट्राइबल स्लांट है, उसने जाके सब मतलब कुकी लोग का घर जलाना शुरू कर लिया। उसके बाद एक वायलेंस से दूसरी वायलेंस, एक वायलेंस से मतलब एकदम एक वायलेंस का स्पाइरल इफेक्ट हो गया। वायलेंस को रोकने के लिए सरकार क्यों नदारद रही? और इसमें जो गिरजाघर, यानी जो पूरे बड़े पैमाने पर गिरजाघरों को निशाना बनाया गया, उसके पीछे क्या मकसद है? और ये जो पूरा मसला है, इसका एक जो हिंदू डोमिनेंस है, क्योंकि मेती समाज का जो हिंदू डोमिनेंस है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी विजय भी मिली है, उससे क्या रिश्ता है? घाटी और हिल्स, वैली एंड हिल्स का जो एक डिवाइड है, वो भी थोड़ा सा बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मणिपुर का आप ज्योग्राफी देखें तो मणिपुर तो एक बाउल जैसा है, बीच में वैली है और बाकी जगह में हिल्स है। वैली का जगह 8% है मणिपुर का, और 92% हिल है। मगर डेमोग्राफी का प्रॉब्लम ये है कि मणिपुर का पूरा 60% इसी वैली में सब रहता है, सारे लोग घाटी में रहता है। और ये जो हिल्स बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है। मगर जो मेईतेई लोग, जो वैली का नेटिव लोग है, उसका ये मतलब ग्रीवियंस ये है कि वो लोग शेड्यूल ट्राइब में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इसीलिए जो जो घाटी है वो तो शेड्यूल ट्राइब का जगह मानता है, सो वो लोग वहाँ पे रह नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। और वो जो 8% लैंड है, उसमें तो नागा भी आ सकता है, कुकी भी आ सकता है, मारवाड़ी भी आ सकता है, बंगाली भी आ सकता है, पंजाबी भी आ सकता है, सब आ सकता है। मगर वो मणिपुर का नेटिव मेईतेई लोग जो है, वो अपना ही खेती मतलब
खेत में हिल में जमीन नहीं खरीद सकता है, ये एक ग्रीवियंस है, ये एसटी डिमांड का एक जस्टिफिकेशन भी, कारण भी ये है। तो बात यह है कि एक यहाँ का जो रिस्पॉन्स जो है से ये बहुत दिन से साथ साथ रह रहे हैं, अलग अलग धर्म में चला गया, मणिपुर वैली में ज़्यादातर वैष्णवाइट रहा है, हिल में नागा और कोकी के बीच में क्रिश्चियन रहा है, और कभी कभी इथनिक टेंशन आ ही जाता है ये अलग अलग जातियों के बीच में, मगर इतना वायलेंट कभी नहीं हुआ मणिपुर में, क्योंकि 2001 में भी जी 2001 में जब तक ग्रेटर नागालिम मांग किया था उसमें भी टेंशन था, मगर एक भी हाथ नहीं लगाया। उसी टाइम असेंबली भी जला दिया, चीफ मिनिस्टर का बंगलों में घेराव किया है। इसीलिए यही बात है कि इस बार पूरा मणिपुर का वैली का लीडरशिप जो है वो ट्रेडिशनल इंडिजिनस सिविल सोसाइटी का रोल बहुत कम रहा है, एक नया तरीके का ग्रुप आया है, ज़्यादातर ये मैतेई लिपुल और आराम भाई तेंगोल, एक नया ग्रुप आया है, उसे बहुत मिलिटेंसी इंजेक्ट किया है लोगों को, ये इनका आर्टिकुलेशन है एकदम आरएसएस जैसा आर्टिकुलेशन है। तो और मणिपुर वैली में आज एक भी चर्च स्टैंड नहीं कर रहे, सबका सब चर्च डिस्ट्रॉय कर रहे, तो लोगों का सोच ये है कि ये एक मैतेई कुकी का नाम पे शायद ये हिंदुत्व एजेंडा कैमोफ्लाज करके मैतेई कम्युनिटी की बीच से ये हिंदुत्व एजेंडा को फर्डर कर रहे, ये सोच है। एकदम एक अच्छा पिक्चर तो जब तक एक प्रॉपर इंक्वायरी करेगा उसमें इमर्ज करेगा, मगर बहुत जो केयरफुली मणिपुर का सोसाइटी को ऑब्जर्व करने वाला लोग, क्योंकि 2001 में एक भी नागा पे हाथ नहीं लगाया, क्यों इतना मारपीट इस टाइम हो रहा है और ज़्यादातर ये वर्शिपिंग सेंटर्स और चर्चेस को अटैक कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि टेंपल अटैक नहीं किया, कुकी मिलिटेंट्स ने टेंपल को भी अटैक किया है, मगर इतना वाइड स्प्रेड लेवल में जो अभी चर्चेस को अटैक कर रहे हैं और कुकी इनोसेंट सिविलियन को अटैक कर रहे हैं, ये ऑर्डिनरी पीपल तो वो मतलब इसको रेस्ट्रेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इट सिम्स एक ऑर्गेनाइज फोर्स इनके पीछे काम कर रहे हैं। और ये मणिपुर का जो हम मणिपुर में कम से कम 30 साल एक्टिविस्ट रहा है, ये मणिपुर सिविल सोसाइटी का कैरेक्टर नहीं है, ये एकदम एलियन कैरेक्टर है, ये कहाँ से आया, ये एक ठीक से प्रोप करके ये रिस्पॉन्स कैसा आया है, इतना वायलेंट कैसा हुआ है, ये एक जुडिशियल इंक्वायरी करने के लिए, हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी करने के लिए अभी लोग मांग है, और इसमें इसका एकदम असली परिचय सबके सामने, पब्लिक के सामने रखना बहुत जरूरी है, नहीं होने से तो ये जो रिलेशनशिप है। दर्शकों से मतलब आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इसका रिश्ता म्यांमार में जो पूरी एक सत्ता में तब्दीली हुई, सैनिक को हुआ, उसके बाद से वहां से जो बड़े पैमाने पे आदिवासी इधर आए और जो प्रेशर मणिपुर पर बना, और हमने ये भी देखा कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो दोबारा चुनकर आई है, पिछले साल ही चुनी गई है, उसने ये बताया कि ये जो सारे लोग आ रहे हैं ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वहाँ पर एनआरसी की भी बात हुई कि एनआरसी होना चाहिए, इसी लेकर भी बहुत टेंशन है। देखिए मेरा ख्याल से ये एक टू प्रॉब्लम है, ये भी सही है कि बर्मा से स्लोली स्लोली बहुत जनजातियों आके यहाँ पे मणिपुर में थोड़ा बहुत जो फैसिलिटी मिलता है उसके बारे में बहुत साल से, लास्ट 3-4 डेकेड से स्लोली स्लोली कोई पॉपुलेशन आके मणिपुर का फॉरेस्ट एरिया में सेटल हुआ, उसको इविक करने के लिए एक कोशिश किया, वो अलग बात है। और दूसरी बात यह है कि अभी अभी जो घटना म्यांमार में कू हुआ था 2 साल के पहले, उसमें से बहुत लोग बॉर्डर एरिया में पहुँच के उसको अपना जीने के लिए, जीवन के लिए मतलब बचाने के लिए वो लोग यहाँ आए, ये इशू अलग अलग इशू है। मगर अभी का जो सेंटिमेंट एंटी इलीगल इमिग्रेंट्स का सेंटिमेंट जो बहुत माहौल मतलब उठा रहा है, एक नैरेटिव बन रहा है, एंटी आउटसाइडर नैरेटिव बन रहा है, इसमें दोनों का बहुत मतलब इफेक्ट होगा, इसको बहुत इम्पैक्ट होगा, और इसको हमको डिस्टिंग्विश करना चाहिए। लोग जो लोग जेन्युइनली सिचुएशन में वहाँ पे परसिक्यूशन फेस करके
मणिपुर के साइट में आ गया, उसको तो हम लोग असाइलम सीकर मानना पड़ेगा। और इंडिया का मतलब एक क्लियर रेफ्यूजी पॉलिसी है ही नहीं, कभी टिबेटन का अलग है, तमिल का अलग है, पाकिस्तान से जो आने वाला हिंदू है, तो हाँ हाँ, तो इसको एम्बिवेलेंस है। और वहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है, FRRO ऑफिस है ही नहीं ये कहीं भी ये बॉर्डर एरिया में, ये इसका रेफ्यूजी डिटर्मिनेशन का प्रोसेस जो है UNHCR को दे दिया, मगर UNHCR वहाँ पे बॉर्डर एरिया में नॉर्थ में ही आने नहीं देते, सबको दिल्ली आना पड़ता है। तो इनको प्रोसेस करने के लिए नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली आके उसको एप्लीकेशन देना पड़ता है, तो इसीलिए वो लोग जेन्युइन बहुत बहुत, दिस इज़ अ ह्यूज इंस्टीट्यूशनल गैप इन टर्म्स ऑफ एक हमको अपने आप डेमोक्रेसी का मदर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, मगर वो लोग डेमोक्रेसी का फाइट करके उसको जिंदगी को मतलब थ्रेट ले रहा है, उसको तो कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है ही नहीं। एक डेमोक्रेसी होने का नाते और वो भी एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने के नाते जो बेबीज ऑफ डेमोक्रेसी हमारे पास मतलब बचाने के लिए आ रहे हैं, उसको हम नहीं जगह देगा तो लोग पूछता है ये डेमोक्रेसी का माँ है या स्टेप मदर है, हम लोग इसको व्हाई आर वी वीपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डेमोक्रेसी, उसको जैसा मतलब एक एम्पैथेटिकली अप्रोच करना चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसीलिए हम लोग होम सेक्रेटरी को भी हमने कई बार चिट्ठी लिखा है, हमने UNHCR को भी कई बार चिट्ठी लिखा है, कम से कम आपका सर्विस दे दीजिए, ये लोग जो कू की बात आ रहे हैं उसको एक प्रोसेस के नाते उसको कम से कम टेम्पररी स्टेटस दे दीजिए रेफ्यूजी का। मिजोराम में तो ऐसा ही हो रहा है, मिजोराम में तो उसको स्टेटस दे रहा है, मिजोराम में तो कम से कम 30,000 लोग को आई कार्ड दे रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसका। फिर मणिपुर में क्यों नहीं? एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हिंसा है जी, ये मैतेई और कुकी के बीच में हुई है, जिसमें कुकी के साथ जो समझौता भी था वो भी रद्द किया गया है, आगे का रास्ता आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या मैतेई के भीतर, जो आपने कहा एक बहुत बड़ी अहम बात कही आपने कि मैतेई कुकी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके पीछे से हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ाने की एक बहुत सुनियोजित साजिश इसमें दिखाई देती है, क्योंकि मैतेई वाले जो चर्चेज हैं वो भी निशाने पे लिए गए हैं। तो क्या लगता है कि ये जो उभार है मैतेई के भीतर हिंदुत्व का, ये कहाँ रुकेगा? देखिए, अगली साल 2024 में चुनौती आ रहा है लोकसभा का, उसमें हम लोग देखना पड़ेगा कि ये हिंदुत्व के फोर्सेस को हम इंडिया में कैसा हैंडल किया जाए। आप ये वाइल्ड रैबिट एकदम अल्ट्रा नेशनलिस्ट एलिमेंट जो है ऐसा फैलाएगा पूरा देश में, तो जो हम मणिपुर में देख रहे हैं आज, ये पूरा देश में भी ऐसा ही कुछ बहुत गंभीर सिचुएशन आने का चांसेस है। इसीलिए इसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, इसको कैसा हम टेम किया जाएगा। हमारा एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो है यहाँ इस देश का, हम इसको कैसा लिया जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है माइनॉरिटीज़ का, ट्राइबल्स का, और जो सब एक सेकुलर फैब्रिक है ये देश का, उसको कैसा बचाया जाए हमको तो पता नहीं, मगर ये जो अपना आम जनता, उसको देखना पड़ेगा और उसका आवाज़ उठाना पड़ेगा। या इस ये तो डेमोक्रेसी तो बाहर से सेफ नहीं होगा, डेमोक्रेसी का सेंसिबिलिटी जो है एक आम नागरिक को अंदर से ही लाना पड़ेगा। मणिपुर में हम कोशिश कर रहे हैं कि रिकनसाइल किया जाए, एल्डर्स ऑफ मैतेई एंड कुकी को एकत्र ले आके, सिविल सोसाइटी को एकत्र ले आके, यूथ को एकत्र ले आके एक इसको रियलाइजेशन किया जाए जो, मगर ये एक्सरसाइज जो है सिर्फ मणिपुर का प्रॉब्लम नहीं है, मणिपुर में एक मैनिफेस्ट हुआ है, ये बीमारी तो पूरा देश में फैला हुआ है, तो इसे पूरा देश में ये अच्छा डायग्नोसिस करना चाहिए हम लोग का, कैसे निकले और बिल्कुल 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 बिल्कुल, और ये नफरत के दौर से हम लोग कैसा निकले, ये बहुत ध्यान देना चाहिए पूरा देश का। और ये देश को बचाना है तो इसका माइनॉरिटी और रिलीजन भी, ट्राइबल्स भी, सब कैसा साथ साथ लेके चलेगा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज है पूरा देश का।
बहुत बहुत शुक्रिया बबलू जी, और मुझे लगता है कि न्यूज़ क्लिक के दर्शकों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि मणिपुर में जिस तरह से हिंसा फैली, जिस तरह से जान माल का नुकसान हुआ, चर्चेस को निशाने पे लिया गया, वह सब एक संकेत है कि ये जो उग्र राष्ट्रवाद है, उग्र हिंदुत्ववाद है, यह किसी के लिए अच्छा नहीं। जिस सेवन सिस्टर्स, जिस डबल इंजन की बात है, वह पूरी तरह से विफल होता दिखाई दे रहा है मणिपुर में। शुक्रिया। थैंक यू।